सर आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। भिवानी से बड़ी जानकारी है, क्राउन प्लाजा में स्पा सेंटर पर रेड पड़ी है। 3 स्पा सेंटर्स पर पुलिस ने रेड मारी है। आपत्तिजनक हालत में यहां पर कई जोड़े मिले हैं। स्पा सेंटर की आड़ में यहां पे देह व्यापार का धंधा हो रहा था। कुछ युवक और युवतियों को पुलिस ने यहां से हिरासत में भी लिया है। तो बड़ी जानकारी है, आपत्तिजनक हालत में कई जोड़े मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का काला धंधा यहां पर चल रहा था। कुछ युवक और युवतियों को पुलिस ने यहां से हिरासत में लिया है, जो कि आपत्तिजनक स्थिति में यहां पे मिले हैं। तो 3 स्पा सेंटर बताए जा रहे हैं भिवानी में, जहां पर ये रेड पड़ी है। क्राउन प्लाजा स्पा सेंटर है जहां पर रेड पुलिस ने डाली है। 3 स्पा सेंटर्स हैं जहां पर पुलिस ने रेड की, जिसमें कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आपत्तिजनक हालत में बताया जा रहा है कि कई जोड़े यहां पर मिले, जिसके बाद पुलिस ने सभी को यहां से हिरासत में लिया है। तो भिवानी में गंदे धंधे का पर्दाफाश हुआ है और स्पा सेंटर्स की आड़ में यहां पर देह व्यापार का काम हो रहा था। पुलिस ने यहां से गिरफ्तार किया है कई जोड़ों को, जो कि आपत्तिजनक हालत में यहां से मिले हैं। तो पुलिस के द्वारा ये गिरफ्तारी की गई है। पुलिस को शिकायत मिल रही थी काफी लंबे समय से, जिसके बाद पुलिस ने इन 3 स्पा सेंटर्स पर यह बड़ी कार्रवाई की है। जब यहां पर देह व्यापार के इस धंधे का खुलासा हुआ है, कुछ युवक और युवतियां पुलिस ने यहां से हिरासत में लिए और अब पुलिस इनको अपने साथ ले गई है। आगे की पूछताछ इस पूरे मामले में हो रही है, लेकिन बड़ा खुलासा भिवानी में पुलिस के द्वारा किया गया है। जब स्पा सेंटर्स की आड़ में चल रहे इस देह व्यापार के धंधे का खुलासा हुआ है और स्पा सेंटर्स की आड़ में यहां पर आपको बता दें कि ये गलत काम यहां पर किया जा रहा था, जिसपे पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। रवि जांगड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। रवि, आप स्पा सेंटर्स की आड़ में गोरख धंधे का खुलासा हुआ है, क्या जानकारी इस पूरे मामले में? द्वारा रेड के लिए टीम तैयार की गई और उसके बाद महिला पुलिस को साथ लिया गया। जब रेड की गई तो कुछ युवक युवतियां आपत्तिजनक हालत में, हालांकि विभिन्न जो स्पा सेंटर थे, यानी के क्राउन प्लाजा एक जगह है पुराने बस स्टैंड के पास, वहां पर 3-4 स्पा सेंटर थे, वहां पर रेड की गई पुलिस के द्वारा। और इन सेंटरों में शिकायत ये मिली थी कि कुछ जो है अवैध धंधे यहाँ पर चलते थे, लड़कियों से जबरदस्ती कार्य करवाया जाता था, लड़कियों को भी बरामद किया गया वहां से, लड़कियां जो है वो हिरासत में ली गई है। साथ ही साथ बात करूंगा, कुछ युवक थे उनको भी पकड़ा गया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, छानबीन के बाद ही कुछ कहना मुनासिब होगा कि आखिर यहाँ पर जो है अवैध धंधा वास्तव में चल रहा था या फिर जो शिकायत जिस तरह की मिली थी, शिकायत कितनी सही थी, अब जो मामले की जांच के बाद उसका पटाक्षेप हो पाएगा। बहरहाल कुछ युवक युवतियों को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। बहुत शुक्रिया रवि इस बातचीत और जानकारी के लिए।